फर्स्टली आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर को ऐड करना है, उसके बाद अपना पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपका पे फोन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने अपना बैंक ऐड करना है जो आपके नंबर से लिंक है, और आप ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऐड बैंक, ऐड बैंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको सिम की ऑप्शन आएगी। जो भी आपकी सिम आपके बैंक से लिंक है, मतलब मोबाइल नंबर लिंक है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करेंगे तो जो आपका सिम है वो आपको एक बैंक को वेरीफाई कर लेगा। बैंक वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है, अपना टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद अपना आपने बैंक ऐड करना है। ऊपर IFSC कोड लिखना है, जैसे से लिख दिया, और उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर, फिर पेड अकाउंट नंबर, फिर नेम होल्डर जिसके नाम पे अकाउंट है वो, और आपने कंफर्म कर देना है तो आपका ये बैंक अकाउंट सेव हो गया। उसका आपने अकाउंट नंबर पे क्लिक करना है, एंटर अमाउंट फिल करना है, और कम से कम आप 100 या 200 रुपया आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो और नीचे सेंड कर देना है। तो इस तरह से आपका जो 200 रुपया है आपके अकाउंट में ही डेबिट होगा और आपके अकाउंट में ही क्रेडिट।